सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने क्या देखा वो देख लेते हैं एक बार। हमने सेक्शन 128 देखा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, साथ में बुक्स एंड पेपर्स भी मेंटेन करना पड़ता है एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। फिर बोर्ड अगर चाहे तो कहीं और भी मेंटेन कर सकती है, इसके लिए सिर्फ उनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और फिर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या क्या मेंटेन करना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन किया गया है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो भी पैसे आ रहे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, इसकी डिटेल्स अलॉन्ग विथ नरेशन। फिर एसेट लायबिलिटीज एंड सेल परचेस, और कुछ कंपनीज जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी होता है उनके लिए कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना भी आवश्यक होता है, ये देखा था। फिर बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर वाउचर्स, डीड्स, ये सब चीजें, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, सब उसमें कवर हो जाएंगे। फिर ये साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मेंटेन करना है, ये भी हमने देखा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सब चीजें इसमें आती है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर समझा हमने तो एक ऐसा साल जो खत्म होता है 31 मार्च को, बट हमने एक और पॉइंट देखा यहाँ पे कि अगर आपकी कंपनी 31 दिसंबर के बाद बनी है तो आप इस साल कंप्लीट करने के बदले अगले साल भी फाइनेंशियल ईयर को खत्म कर सकते हैं। तो ये देखा, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, दैट मीन्स एज पर शेड्यूल 3 होना चाहिए, एंड जो रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको अप्लाई होते हैं वो भी फॉलो करना है, ठीक है। सो ये देखा था। इसके अलावा ऐसी कंपनीज जिनको कोई चीज इन्फॉर्म करने को मना किया गया है उनके स्पेसिफिक कानून के द्वारा, तो वो चीज नहीं भी बताएंगे तो भी हम मान लेंगे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा था। देन अक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री से मेंटेन करना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किए तो उसकी डिटेल्स आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक बैकअप रखना पड़ेगा और पूरी डिटेल्स इसको एनुअल बेसिस पे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। फिर ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये अगर आप चाहें तो कोई भी डायरेक्टर जाके देख सकता है, क्योंकि ब्रांच जो है वो एक अलग एंटिटी नहीं होती, वो हमारा ही हिस्सा है। सो या तो आप इसके साथ में मेंटेन कर लो, या आप अलग मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है। फिर जो सब्सिडरी है इसके तो हमेशा अलग ही रहेंगे। सब्सिडरी के अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइजेशन चाहिए, तभी कोई डायरेक्टर जाके देख सकता है। और अगर फॉरेन सब्सिडरी है तो फिर कंपलसरली सिर्फ वो डायरेक्टर ही देख सकता है, वो किसी एजेंट को नहीं भेज सकता फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरी। फिर 8 साल तक आपको प्रिजर्व करना है, लेकिन कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन बोलती है तो इन्वेस्टिगेशन के केसेस में आपको उससे ज्यादा पीरियड के लिए भी चालू रखना पड़ सकता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ सकता है। देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है आपको। सो स्टैंड अलोन के साथ साथ अगर आपकी कोई होल्डिंग सब्सिडरीज हैं तो इनके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स भी बनाना पड़ता है। नहीं बनाना पड़ेगा अगर होल्ली ओन या पार्टली ओन सब्सिडरी है और ये चीज इन्फॉर्म कर दी गई थी मेंबर्स को कि हम ये नहीं बना रहे हैं, फिर लिस्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी। एंड इसकी कोई इंटरमीडिएट सब्सिडरी या फिर जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है वो अगर प्रेजेंट कर देती है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तो फिर दूसरी कंपनी को जरूरी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहां इंटरमीडिएटरी अगर ये है, इसको नहीं बनाना पड़ेगा अगर ए लिमिटेड दोनों को ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट कर रही है तो वो करेगी। अगर ये कंसोलिडेट कर रही है तो बी को अलग से बनाने की जरूरत नहीं, और बी अगर कंसोलिडेट कर रही है तो आप डायरेक्टली ये वाला भी उठा सकते हैं। सो ये देखा था हमने। फिर 129A एक नया सेक्शन था, कोई खास काम का नहीं था, कुछ कंपनीज को बोला जा सकता है जो अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड को तो कंपलसरी होता है क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाना, लेकिन कुछ और कंपनीज जो अनलिस्टेड है उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक पीरियोडिक स्टेटमेंट बनाने बोल सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चाहे तो उसका ऑडिट करवाने या उसका एक लिमिटेड रिव्यू कराने भी बोल सकती है, ये हमने देखा था। देन हमने देखा सेक्शन नंबर 130 और 131। 130 में रीओपनिंग किया जाता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, सेबी को या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी को ऐसा लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉडलेंटली बनाए गए हैं या फिर कुछ मिसलीडिंग है, कुछ तो भी गड़बड़ है, मिसमैनेजमेंट है। सो उस चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये लोग अपील करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे विद द ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल फिर से नोटिस भेजेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आई थी तो ट्रिब्यूनल बाकी लोगों को नोटिस भेजेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी और अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज को नोटिस भेजेगा। उसके बाद फिर इनसे रिप्रेजेंटेशन आएंगे, रिप्रेजेंटेशन आने के बाद फिर ये ऑर्डर पास करेगा और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रिवाइज करने बोला जा सकता है, तो वो अलाउ किया जा सकता है, रीओपन करने बोला जा सकता है, ठीक है। इसमें जो भी रिवाइज रहेंगे या रिकास्टेड होंगे ये
पूरे फाइनल रहेंगे, इसको कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए आप ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए ये ओपन नहीं होगा। हाँ, लेकिन कोई कंपनी के केस में अगर बोला था कि आपको 8 साल से ज्यादा के बुक्स रखना है, तो उनके केस में 8 साल के ज्यादा के भी रीओपन हो सकते हैं। फिर वॉलेंट्री रिविजन था, वॉलेंट्री रिविजन हो सकता है जब हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 के हिसाब से नहीं बने, या फिर बोर्ड रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं बना है। सो ऐसे केस में हम खुद अप्लाई करेंगे ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल फिर नोटिस भेजेगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी। यहाँ दो ही जनते, सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी वगैरह नहीं था। सो इनको नोटिस भेजेगा और फिर इनसे रिप्रेजेंटेशन आएंगे, इसके बाद फिर रिविजन करने को अलाउ किया जा सकता है। तो आप रिवाइज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट्स को। फिर यहाँ पे मैक्सिमम आप 3 साल के रिवीजन कर सकते हैं। आज अगर आप ओपन कर रहे हैं रिवाइज करने के लिए, तो पिछले 3 साल रिवाइज किए जा सकते हैं, लेकिन 1 साल में एक ही बार रिवीजन होना चाहिए। तो आपने एक बार रिवाइज कर दिया तो आप फिर से इस साल नहीं कर सकते। हाँ, फिर लेकिन अगर आपको ध्यान आया कि पिछले साल कुछ गड़बड़ रह गई थी, तो आप अगले साल फिर से रिवाइज कर सकते हैं वो साल के भी, क्योंकि 3 साल तक के रिवीजन हो सकते हैं। सो ये हमने देखा था, बस यहां तक देखा। अब एक नया और इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हम, NFRA। बहुत बड़ा सेक्शन है, ये बनाया गया है CA लोगों को पकड़ने के लिए, इनफैक्ट कंट्रोल करने के लिए। सो ये सेक्शन के ऊपर काफी हल्ला हुआ था जब ये आ रहा था, और इसीलिए बहुत लेट ये लगा है, सबसे आखिर में लगा है NFRA का सेक्शन। सो अभी तक के बाकी के सेक्शंस पूरे लग गए थे, बट ये सबसे लेट में, अभी अभी अमेंडमेंट्स भी हुए इसमें और अभी अभी ये लागू हुआ है, तो लगभग साल डेढ़ साल हुआ है। सो अब NFRA पूरा कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उसके हिसाब से फिर पूरी चीजें चलने वाली है अभी। सो NFRA का मेन एम क्या था? सो देखो, पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े फ्रॉड होते थे, आपको याद होगा कि ये कंपनीज एक्ट आने का ही बड़ा एक मेन मकसद था कि जो फ्रॉड होते थे उनको रोकना चाहिए। सो अगर कोई फ्रॉड करता भी था तो उनके ऊपर पनिशमेंट्स नहीं होती थी, क्योंकि फ्रॉड वगैरह करने वाले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी के लोग हैं तो ठीक है, उनके ऊपर तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, पर CA के ऊपर थोड़ी लगता है। तो CA के ऊपर CA का एक कानून होता है, वो लगता है CA एक्ट। उसमें बताया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई गलत करेगा तो उस पर क्या सजा होगी। तो CA लोगों के ऊपर जो सजा लगाई जाती है वो ICAI खुद लगाता है, और कई बार यहाँ पे देखा गया था कि ICAI अपना काम पूरा अच्छे से नहीं करता था और सजा बहुत कम लगाई जाती थी। इसीलिए फिर सरकार ने सोचा कि हम इसको अपने हाथ में लेते हैं और एक नए इंस्टीट्यूशन का, एक अलग प्रकार की एक अथॉरिटी का गठन किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकता है NFRA का निर्माण, तो एक अथॉरिटी ये बनाई गई, इसमें एक चेयरमैन रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा इसमें। फिर 15 मेंबर्स रहेंगे, ये जो 15 मेंबर्स हैं ये पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग जो हैं चेयरमैन या मेंबर्स, इनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये लोग इंडिपेंडेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी, क्योंकि देखो अगर यहां पे भी CA लोग आ गए तो CA अगर चेयरमैन है तो फिर वो CA के ऊपर पेनल्टी उतनी नहीं लगाएगा, वैसे रहेगा CA ही, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि ये जो व्यक्ति रहेगा ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन आइदर अकाउंट्स, फाइनेंस, लॉ, टैक्स, ऐसी चीजें, तो अल्टीमेटली CA ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। सो CA रहेगा, लेकिन उसको कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा और मेरा किसी भी फर्म से कनेक्शन नहीं है, उसको किसी फर्म में पार्टनर बनना वगैरह अलाउड नहीं रहेगा फिर। सो अगर वो CA है और NFRA का चेयरमैन है या मेंबर, फुल टाइम मेंबर है, सो उसको कोई भी इसमें दूसरे पार्टनरशिप फर्म वगैरह में, CA फर्म में उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर उसका ये पोस्ट खत्म भी हो जाती है, समझो मैं चेयरमैन हूं, चेयरमैनशिप मैं छोड़ देता हूं, खत्म हो जाती है मेरी पोस्ट, इसके बाद भी 2 साल तक के मैं किसी CA फर्म से एसोसिएट नहीं हो सकता। सो ये भी यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है, ये एक एक करके हम देखेंगे। फिर NFRA जो है ये क्यों बनाया गया, इसका नाम ही है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA। सो जिसका मेन एम ये है कि ये जो रिपोर्टिंग के लिए चीजें हैं उसको कंट्रोल करे, तो क्या क्या रिपोर्ट होना चाहिए, और रिपोर्ट प्रॉपर नहीं है, कुछ गड़बड़ की जा रही है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाने का भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। सो NFRA के कुछ खास फंक्शंस बताए हैं,
इसमें इवन अमेंडमेंट्स हुए हैं जहां पे ये भी बताया गया कि एनएफआरए जो है ये डिविजन्स के थ्रू काम करेगा। पहले ऐसा कहीं नहीं लिखा था, फिर इनको याद आया कि हमने डिविजन्स के बारे में तो बताना भूल गए, एक एनएफआरए पूरे देश भर में कैसा काम करेगा। फिर अमेंडमेंट किया गया कि डिविजन्स बना के अलग अलग हिस्से के हिसाब से ये लोग काम कर सकते हैं। सो ये सब कुछ अमेंडमेंट्स भी यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो नया था बट फिर भी और अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो एनएफआरए के कुछ खास फंक्शंस हैं, ये हमको ध्यान रखना है कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो इसका गठन कौन करता है, इसका निर्माण कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन को और 15 मेंबर्स को, नॉट एक्सीडिंग 15, मैक्सिमम 15, ठीक है। सो उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलते हैं बट कम नहीं किए जाते, उतने रहते ही हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे, इनका मेन काम है कि ये अकाउंटिंग प्रोसीजर्स वगैरह और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये सब रिकमेंड करे टू दी रिकमेंड दी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज। सो ये रिकमेंड करेंगे। सो इन लोग बताएंगे कि कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कैसे क्या उनको फॉलो करना है, फिर अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, पॉलिसीज जो है, ये सब कैसे क्या फॉलो होना है, ठीक है। सो पहले ये सब कौन करता था, इंस्टीट्यूट बनाता था, आईसीआई करता था। अभी इन लोग को पहले बोला है कि एनएफआरए पहले रिकमेंड करेगा और उसके बाद इसका निर्माण होगा, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, पॉलिसीज है फॉर कंपनीज, सो ये सिर्फ कंपनीज को लगेगा और हर कंपनी को नहीं लगेगा। ये जो बता रहे हैं ये सिर्फ वो जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज वर्ड आता है ना, कई जगह पे दिखता है, जो इंडिया फॉलो करेगी, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो एनएफआरए सिर्फ वो बड़ी कंपनीज को कवर करता है जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज में कवर होती हैं। तो वो कौन कौन सी कंपनीज है वो भी देखेंगे। लिस्टेड कंपनी तो सभी कवर हो जाएगी। फिर अनलिस्टेड कंपनी में लिमिट्स बताई गई है, अगर 1000 करोड़ के ऊपर टर्नओवर गया तो, या फिर 500 करोड़ के ऊपर उसका पेड अप कैपिटल है, या 500 करोड़ के ऊपर उसकी बोरोइंग है, एग्रीगेट बोरोइंग, तो ऐसे केस में वो एनएफआरए के रूल्स में कवर होते हैं। और एक बार कवर हुए तो 3 साल के लिए कवर हो जाते हैं। सो 3 साल तक के उसके जो भी ऑडिटर्स हैं उन लोग को ये फॉलो करना पड़ेगा, जो भी इंडेक्स वगैरह के रूल्स बताए गए वो सब, ठीक है। सो ये भी देखेंगे हम अब प्रिस्क्राइब कंपनीज में कौन कौन आती है। तो इसका फंक्शन है, पहला काम तो है रिकमेंड करना, दूसरा काम है इसको अप्लाई भी करवाएगी है। सो रिकमेंड तो करेंगी, इसके बाद अप्लाई करवाना प्रॉपरली। तो यहां पे जो भी एएस बोले गए हैं, तो ये एएस जो है इंड एएस की मेजरली यहां पे बात हो रही है, ठीक है। सो वो रिकमेंड करने के बाद इसको फॉर्मुलेट करवाएंगे और इसको अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन रहेगा, सो इसको प्रॉपरली अप्लाई करवाना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग एंड पॉलिसीज, सो इसको प्रॉपरली अप्लाई करवाना, ठीक है। खुद अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करवाते हैं वो। फिर तीसरी चीज है रिव्यू सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स की जो सर्विसेज है उनको रिव्यू करना, उनको चेक करना, ये लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो कंपनी को भी देखेगी, कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स है इनके ऊपर भी अब कंट्रोल करने का अधिकार यहां पे दे दिया गया है एनएफआरए को, ठीक है। सो इसी के ऊपर सबसे ज्यादा हल्ला हुआ था कि हमको कोई एक ऐसी बॉडी क्यों कंट्रोल करेगी, जबकि वो सही तरीका है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी होता है। तो हम खुद के अगर खुद के लोग मेंबर्स लोग ही कंट्रोल करेंगे तो गड़बड़ होती है, बट फिर भी इसके ऊपर काफी हल्ला हुआ था जब ये एनएफआरए का सेक्शन रिकमेंड किया गया था कि ये बिल्कुल गलत है, एकदम अनइथिकल है, ऐसा सब चिल्लाना चालू हो गया था, जबकि सही है। सो होना चाहिए, अगर कोई सही काम करता है तो उसको ऐसे भी डर नहीं होना चाहिए। सो रिव्यू द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स एंड अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो बाकी भी फंक्शंस इसको फॉलो करना पड़ेगा जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, ठीक है।
सो एनएफआरए का गठन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इसमें कितने लोग होते हैं, और फंक्शंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, इसके बाद इसको पावर्स भी दिए गए हैं कुछ। ये तो हो गए फंक्शंस और इसको पावर्स हैं। सो इसको सेम पावर दिया है एज टू अ सिविल कोड। अंडर सीपीसी, सीपीसी करके एक बुक होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सो उसके तहत इसमें प्रोसीजर बताई गई होती है कि कोर्ट कैसे क्या इसको फॉलो करेगा। हमने सीआरपीसी का एक जिक्र किया था जब सेक्शन 138 इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, वैसे ही एक और बुक होती है सीपीसी। तो सीपीसी और सीआरपीसी दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं, दोनों ही प्रोसीजर बताते हैं। सो अगर क्रिमिनल केस है तो सीआरपीसी अप्लाई होता है, और सिविल केस है तो सीपीसी अप्लाई होता है। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सो ये तो इसको सेम पावर दिए गए जैसे कि कोर्ट को होते हैं। कोर्ट को क्या क्या पावर होते हैं? सो कोर्ट कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मंगा पाएगा। अब यहां बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, गड़बड़ जो भी रहेगी। सो अकाउंटिंग से रिलेटेड ये बॉडी है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाने का अधिकार होगा। फिर किसी भी व्यक्ति को सबूत मंगाए जा सकते हैं, गवाही देने बुलाया जा सकता है, समन्स भेजा जा सकता है। तो ये सब अधिकार यहां पे मिलेंगे इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को। सो एनएफआरए का जब रूल लगेगा यहां पे, फिर दूसरी कोई अथॉरिटी एक्शन नहीं लेगी। अगर यहां पे एक्शन ले रही है एनएफआरए, एनएफआरए को पावर दिया है कि आप इस पर्टिकुलर केस में एक्शन ले सकते हैं। सो स्पेसिफिकली यहां पे एक्सक्लूड किया है कि अगर एनएफआरए उसमें कोई एक्शन ले रही है तो एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन कैन नॉट इंटरफियर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, सो वो एनी अदर यानी सीधा आईसीआई को बोलना चाह रहे थे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये बीच में फिर नहीं आएगा। ठीक है, सो ये स्पेसिफिकली यहां पे बताया गया है। सो देखते हैं, इतना पढ़ते हैं। सो पहले तो ये ब्रीफिंग बताई गई है इसका क्या एम था, और फिर यहां से सेक्शन चालू होते हैं। पेज नंबर 13.9 पे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू फॉर्म अ कमिटी फॉर रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी ये कमिटी जो थी एनएफआरए के आने के पहले तक ये एनएसीएएस थी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस इज नाउ बीइंग रीनेम्ड विद एनहांस्ड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। ये थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगी, नाकास में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट का कंट्रोल आ जाता था, यहां पे ऐसा नहीं रहेगा। एंड ओवरसाइट पावर्स एंड अथॉरिटी एज एनएफआरए, इट शैल हैव द पावर्स टू रिकमेंड, सो मीन है रिकमेंड करना, एंड एनफोर्स एंड मॉनिटर यानी अप्लाई करवाना। सो एनफोर्स करवाना यानी अप्लाई करवाना द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अलॉन्ग विद ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो सेंट्रल गवर्नमेंट मी बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एनएफआरए, जो इन्होंने अब कर चुका है। एनएफआरए जो काम करेगी, ये कोई काम का नहीं है पहला सबसेक्शन, दूसरा सबसेक्शन काम का नहीं है। एनएफआरए काम करेगी थ्रू सच डिविजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, सो डिविजन्स बना सकते हैं। ये पहले नहीं लिखा था, अमेंडमेंट करके लाया गया, इसलिए 1A दिखेगा आपको यहां पे। ठीक है, सो ये भी कोई काम का नहीं है। फिर ये आपके काम का है फंक्शंस, जो मैंने फंक्शंस वर्ड यूज किया वो यहां लिखा हुआ है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी कानून में कुछ भी लिखा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम एनएफआरए करेगा। तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में कुछ भी लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये कानून जो बोलता है ये फाइनल है। सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द एनएफआरए शैल, सो इसके फंक्शंस है, इसको ये करना है, मेक रिकमेंडेशंस। सो रिकमेंड करेगी क्या? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको फॉर्मुलेट करेगी। सो मेक रिकमेंडेशंस, रिकमेंड दी टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अडॉप्शन बाय कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज और देयर ऑडिटर्स एज द केस में भी। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज फॉलो करती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर फॉलो करते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, सीए की जिम्मेदारी नहीं होती। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना जिम्मेदारी कंपनी की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं?
तो इसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, ये पढ़े थे हमने। तो ये लोग जिम्मेदार है, तो इनको ये फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये हम अगले चैप्टर में भी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती, ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि टू रिपोर्ट ऑन सच थिंग। अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो ये जिम्मेदारी रहेगी। सो रिपोर्ट कर दिया आपने, गलती थी, आपने देख लिया ये गलत है और आपने रिपोर्ट कर दिया, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है। सो हमारी जिम्मेदारी होती है टू कमेंट ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होती कि ये सही तरीके से बनाए। अगर ये सही नहीं है तो ये बताना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सो ये अगले चैप्टर में देखेंगे हम ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। सो पहली चीज है टू मेक रिकमेंडेशन, तो वो पहले AS वगैरह ये सब बनाएंगे, फिर मॉनिटर एंड इन्फोर्स, दैट मीन्स अप्लाई द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो क्या ये प्रॉपरली अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद एंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड्स एंड सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, तो CA लोगों की भी क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए। सो ये किसकी बात हो रही है, तो ये जनरली CA के लिए बोल रहे हैं, प्रोफेशंस बोला है, प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद एंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड्स। सो ये स्टैंडर्ड्स कौन कंप्लाई करेंगे, तो CA ही रहेगा। सो CA लोगों के ऊपर भी कंट्रोल करने का अधिकार इनके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो जो सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स है, यहां वर्ड यूज किया है सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स, बट जो प्रोफेशनल्स है ये कौन रहेंगे, तो ये हमेशा CA ही रहेंगे, ठीक है। तो ये CA लोगों की बात हो रही है, वैसे स्पेसिफिकली नहीं बोला है बट मेन उनका मकसद वही था कि CA लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, और इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्टली हमसे डील करता है। सो अगर कल चलकर गड़बड़ होगी तो पेनल्टी लगाने का अधिकार भी NFRA ने अपने पास रखा है। पहले ऐसा होता था ICAI कुछ एक्शन लेता था, डिसिप्लिनरी एक्शन होती थी कुछ गलत हो रहा है तो, बट अब NFRA लेगा, ठीक है। बट हर छोटी मोटी कंपनी में अप्लाई नहीं होगा, NFRA सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए रखा है, ठीक है। सो Ind AS वाले जो कंपनीज हैं, फिर परफॉर्म सच अदर फंक्शंस रिलेटिंग टू क्लॉज A to C एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन ये भी पूछा जा सकता है कभी। सो पहले दो सबसेक्शन बिल्कुल काम की नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 and 3 ये काम के हैं, अलॉन्ग विद द प्रोविजंस। NFRA शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा उसमें, ठीक है। आजकल चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की ओर जा रहे हैं। सो हाँ, चेयरमैन यूज नहीं करते, चेयरपर्सन यूज करते हैं आजकल। Who shall be a person of eminence? तो देखो CA की बात हो रही, किसकी बात हो रही, Who shall be a person of eminence and having expertise? CA किसमें expertise होना चाहिए, accountancy का, इसका मतलब है CA होना चाहिए। Auditing का यानी CA होना चाहिए, Finance यानी CA होना चाहिए, सबका मतलब वही होता है। Law, तो law में भी generally CA, वैसे lawyers भी होते हैं बड़े बड़े, but generally CA cover होता है ज्यादातर points में, directly CA नहीं बोला है, but expert होना चाहिए इन चीजों में। So कहीं ना कहीं वो CA ही निकलेगा, ठीक है। सो चेयरमैन ये अपॉइंटेड रहेगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 15, मैक्सिमम 15 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 15 है, जिसमें कुछ पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इतने लोग होना, एक चेयरपर्सन 15 मेंबर, जिसमें पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों कवर होते हैं। फिर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये कोई काम का नहीं है। प्रोवाइडेड द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, कोई काम का नहीं। फिर एक डिक्लेरेशन लगता है, ये मैंने बताया, ये लिख लो वहां पे कि नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंडिपेंडेंस, ये दो डिक्लेरेशन लगते हैं। सो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इंडिपेंडेंस, ये किसको देना है, तो ये सबको देना है। सो ये जो है सभी लोग ये डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। और एडिशनल कंडीशन लगती है जो फुल टाइम मेंबर्स हैं उनको। सो फुल टाइम मेंबर्स और चेयरमैन, चेयरपर्सन ही लिखते अपन,
फर्क नहीं पड़ता, आप चेयरमैन भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, बट अपनी क्लास में भी कुछ लोग हैं बोलेंगे सर, ठीक है। प्लस जो फुल टाइम मेंबर्स है इनको बोला गया है कि उनको एसोसिएट नहीं होना है किसी भी ऑडिट फर्म से, एंड साथ में एक और चीज, ये दोनों ये भी डिक्लेरेशन ही है, लेकिन ये डिक्लेरेशन सिर्फ चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स को लगता है, और ये डिक्लेरेशन दोनों को लगता है, यानी फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो दोनों को, ठीक है। दूसरा विल नॉट हैव एसोसिएशन विथ एनी ऑडिट फर्म, up to 2 years after cessation. So जब ये सीज हो जाएंगे, means यहां से इनकी पोस्ट खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी 2 साल तक ये किसी ऑडिट फॉर्म से नहीं जुड़ेंगे, सो ये चीज में इनको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही उनको चेयरमैन या फुल टाइम मेंबर करके अपॉइंट किया जा सकेगा। So, 2 डिक्लेरेशन है, एक डिक्लेरेशन जो सबको देना है और दूसरा जो सिर्फ चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स को देना है, ठीक है। सो देखो दिया है, सो प्रोवाइडेड फर्दर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स शैल मेक अ डिक्लेरेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म रिगार्डिंग नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स अगर आप मुझे अपॉइंट करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा कोई और काम में उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम इंडिपेंडेंट है ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है, तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है तभी हम प्रॉपरली डिसीजन दे पाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज और देयर अपॉइंटमेंट। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हु आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, सो चेयरपर्सन और फुल टाइम वाले जो मेंबर्स हैं उनको शैल नॉट बी एसोसिएटेड विथ एनी ऑडिट फर्म, तो उनको अभी भी नहीं जुड़ना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड 2 ईयर्स आफ्टर सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट। सो आफ्टर सेजेशन भी 2 साल तक के उनको किसी ऑडिट फॉर्म में जुड़ना अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ फुल टाइम वालों के लिए, पार्ट टाइम के लिए नहीं, ठीक है। सो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं डिक्लेरेशन, और ये अगर आपको ये पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आएगा, NFRA में कौन कौन रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पूछा भले चेयरमैन और ये 15 लोगों का है, बट आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट भी आपको कवर करना पड़ेगा डिक्लेरेशन वाले, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क का रहेगा वो, तो 4 मार्क के लिए आप सिर्फ इतना लिखोगे तो 4 मार्क थोड़ी मिलेंगे। आज ऐसा क्यों हो रहा है, सभी क्लास में हो रहा था क्या? अच्छा ठीक है, मैं स्पेशल नहीं हूं, ठीक है, होता है कभी कभी। बस खत्म हो गया, यहां कुछ नहीं है, ये लिखा है कि जितने भी डिवीजन होंगे, ये भी अमेंड किया था 3A 1A जो है, 1A क्या बोल रहा था कि NFRA डिवीजन के थ्रू काम कर सकता है, और 3A बोल रहा है जितने भी डिवीजन होंगे उसमें जो कारभार है वो या तो चेयरपर्सन संभालेगा या जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो संभालेंगे, ठीक है। तो मेंबर को भी चेयरपर्सन अपॉइंट करेगा कि तुम ये वाला डिवीजन संभालोगे, सो वो देखेगा, तो ये कोई काम का नहीं है अपने, ठीक है। तो आइदर इट शुड बी प्रिसाइडेड ओवर, प्रिसाइडेड यानी उसका जो हेड रहेगा वो कौन रहेगा, सो NFRA का डिवीजन जो है, डिवीजन के हेड रहेंगे आइदर अ चेयरपर्सन और अ फुल टाइम मेंबर, ठीक है, ऑथराइज बाय चेयरपर्सन। So, ये भी कोई खास काम का नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बस आगे का भी कोई काम का नहीं है। देयर शैल बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ NFRA कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन फुल टाइम मेंबर्स ऑफ सच अथॉरिटी फॉर इफिशियंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर सबसेक्शन 2। तो देखो सबसेक्शन 2 में ये नहीं लिखा है कि वो फंक्शंस है, बट यहां पर लिखा है एंड सबसेक्शन 4, तो सबसेक्शन 4 ये अभी आगे जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसेक्शन 4 वही बताता है कि इसको पावर होगा बिल्कुल सेम जैसा कि एक पर्टिकुलर सिविल कोर्ट को होता है, तो सिविल कोर्ट के जो पावर्स हैं ये रहेंगे इसमें भी, ये तो मेन जनरल पावर्स होते हैं इनको, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का पावर दिया गया है, एक एडिशनल पॉइंट रहेगा यहां, पावर टू इन्वेस्टिगेट,
सो इन्वेस्टिगेट करने का जो पावर होगा इसमें यह क्लैरिफाई किया है नो अदर बॉडी विल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट सच केस. जो केस में एनएफआरए काम कर रहा है वो केस में और कोई अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती. अगेन ये भी जो है इसका भी सेक्शन की शुरुआत हो रही है 4 की, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ. सो अगेन ये भी ओवरराइडिंग है. तो फंक्शंस और पावर्स ये दोनों ओवरराइडिंग के साथ है. सो फंक्शंस भी ओवरराइडिंग इफेक्ट देते हैं. फंक्शंस उसमें भी आप देखोगे तो सेम लिखा है और पावर्स में भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है. ठीक है. सो देखो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से चालू हो रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. तो बिल्कुल वैसे ही सबसेक्शन 2 भी चालू हुआ था, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. सो इट इज ओवरराइडिंग होल लॉ. कोई भी लॉ होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आपका सीए एक्ट क्या बोल रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. जहां पे एनएफआरए का पावर है वहां सिर्फ एनएफआरए ही काम करेगा. ठीक है. सो ये सीए एक्ट को ओवरराइड करते हैं. मेन वही है, बाकी और एक्ट भी ओवरराइड हो जाते हैं बट मेन मकसद ये था कि सीए एक्ट को ओवरराइड करना है. ठीक है. सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द एनएफआरए शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट. ये पावर्स बता रहे हैं. तो फंक्शंस एज वेल एज पावर्स. So, दो पावर दिया है आपको, मेन दो है और ये तीसरी पेनल्टी है. तो दिया है सी क्लॉज में बट इट इज अ पेनल्टी, इट इज नॉट अ पावर. सो पावर टू इम्पोज अ पेनल्टी ऐसा बोल सकते हो आप. सो पहला पावर है टू इन्वेस्टिगेट. तो इन्वेस्टिगेशन चालू करने का आइदर सुओ मोटो खुद से और ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलेगी तो फॉर सच क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स और पर्संस. सो दोनों पे, बॉडी कॉर्पोरेट्स पे भी, कंपनीज पे भी जिसको एनएफआरए अप्लाई होता है एंड पर्संस को भी. सो पर्संस यानी सीए वगैरह इसमें कवर होंगे. ठीक है. सो मेन पर्सन बोलने का मतलब है डायरेक्टर्स तो होंगे बट मेन जो है सीए लोगों को कवर करना है. आगे लिखा भी हुआ है. सो डायरेक्ट सीए नहीं बोला है लेकिन आगे फिर वर्ड्स आप देखते हैं इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन टू मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट. सो एक एक्ट है सीए एक्ट, आपको अगले साल पढ़ना है. वो पता होगा ना आपको ऐसा एक कानून है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. हाँ मैंने बताया था. ठीक है. सो एक कानून है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, उसमें कुछ मिसकंडक्ट्स बताए हैं कि आप ये नहीं कर सकते. अगर आप मेंबर इन प्रैक्टिस हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप मेंबर इन जॉब हैं सर्विस हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें बताई है. अगर आप फिर भी वो काम करोगे तो ये मिसकंडक्ट में कवर होता है. सो दो प्रकार के मिसकंडक्ट कवर होते हैं उसमें. सीए फाइनल का टॉपिक है आपका. एक होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दूसरे होते हैं अदर मिसकंडक्ट. अदर मिसकंडक्ट यानी जो जनरल छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं जिसमें प्रोफेशनल कुछ नहीं आ रहा है, एथिक्स नहीं आ रहा बट अल्टीमेटली वो भी गलत है. जैसे कि आप देखते हैं एडवोकेट्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, इनको एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं होता. वैसे ही सीए लोगों के ऊपर भी है. तो हम लोग भी खुद का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, हम तो क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं. सो हाँ लूप होल्स आपको ढूंढना पड़ता है. सो हम अपनी सर्विसेज का थोड़ी कर रहे हैं, अपने ऑफिस का एड थोड़ी कर रहे हैं हम. सो ये एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं होता, ये अदर मिसकंडक्ट हो गए. और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मीन्स जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो सब उसमें कवर हो जाता है. सो ऐसे दो प्रकार के मिसकंडक्ट बताए गए हैं. सो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट. सो आपको ये फाइनल लेवल पे पढ़ना है काफी डीप में. इसमें 20 से 25 मार्क पक्का आता ही है 100%. कमिटेड बाय एनी मेंबर और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अब यहां पे क्लैरिफाई कर दिया कि सीए को पकड़ रहे हैं हम. सो पर्संस कौन है तो सीए रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. सो जब आप सीए बनते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सीए एक्ट के तहत. सो आईसीआई में रजिस्ट्रेशन होता है सीए बनने के बाद भी. सो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अलग हो गया, एक मेंबर रजिस्ट्रेशन होता है. सो एज मेंबर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद ही आप सीए कहलाते हैं. नहीं तो आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करेंगे तो उसको हम सीए नहीं मानेंगे. सो बोलने को हम लोग लिख लेते हैं, बोल लेते हैं बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. यानी आईसीआई का मेंबर बनना जरूरी होता है तभी जाके आप सीए की प्रैक्टिस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं. ठीक है. सो आप अगर दो चार प्रोफेशन करते हैं तो उसमें से एक ही काम कर सकते हो आप.
जैसे समझो मैंने लॉ भी किया और सीए भी किया, फिर मुझे लगता है यार सीए का छोड़ो कोई काम का नहीं है, लॉ में ही अपन आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे केस में मैं एक डिग्री को सरेंडर करूंगा, एलएलबी की डिग्री को रखूंगा और जो दूसरी डिग्री उसको सरेंडर करना पड़ता है। सो आप कोई भी एक ही प्रोफेशन कर सकते हैं, आप अगर एडवोकेट बन के काम करना चाहे तो वो करें, आप अगर सीए बन के काम करना चाहें तो वो करें, ठीक है। सो ऑप्शन होता है लेकिन एक ही कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो ये भी मिसकंडक्ट हो जाते हैं अगर आप दोनों कर रहे हैं, दोनों होल्ड किया है तो ये मिसकंडक्ट है। हाँ, तो सिर्फ सीए की डिग्री यूज करते हैं, बाकी लाइसेंसिएट है, इसलिए आप देखो लाइसेंसिएट सीएस लिखा जाता है। तो लाइसेंसिएट सीएस वो होते हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप नहीं किए, उनकी भी आर्टिकलशिप होती है। सो वो नहीं किया जिसने सीएस वाली आर्टिकलशिप, और जो बाकी कुछ काम नहीं कर रहे, यानी सिर्फ लाइसेंस है सीएस है बट वो अल्टीमेटली काम नहीं कर रहे उसमें, ठीक है। तो कोई भी एक ही कर सकते हैं, अगर आप तीनों भी करते हैं तो कोई मतलब नहीं होता उसका। तो इसीलिए मैंने भी सीएस नहीं किया था, तो दो रीजन थे, एक तो 6000 रुपए लगते थे उस टाइम, और अपन गरीब लोग थे पहले उस जमाने में। सो पैसे एक्चुअल में नहीं थे, 6000 रुपए जमा करना भी भारी पड़ता था उस टाइम। सो उस टाइम बहुत होता था 6000 रुपया, सो वो नहीं था, और इसीलिए मैंने सोचा यार सीएस करने की इच्छा थी, फिर मैं सोचा जाने दो यार, वैसे भी कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज कर सकते, दूसरी तो सरेंडर ही करना है। सो सीएस छोड़ दिया। फिर सीए बनने के बाद फिर मैंने इसीलिए पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स किया। सो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेस यानी डीसा हो गए, फिर कॉन्करेंट ऑडिटर्स हो गए। सो ये सब जो कोर्सेस होते हैं ये पोस्ट क्वालिफिकेशन है। सो इसको आपको सरेंडर नहीं करना पड़ता, ये तो स्पेशलाइजेशन जैसा हो गया, जैसे डॉक्टर होते हैं एमडी, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ऐसे अलग अलग होते हैं। सो वैसे ही ये स्पेशलाइजेशन हो जाता है। हाँ, सीएफए तो अलग है, वो इंटरनेशनल कोर्स हो गया, वही सीए टाइप ही है, अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड है। बट नहीं, एक ही उसमें भी एक ही कर सकते हैं, अगर आप सीएफए करोगे, सीमा करोगे, एफआरएम करोगे तो भी एक ही चीज कर सकते हो, एक डिग्री छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसा है, नॉलेज ले लो बट अल्टीमेटली काम एक ही जगह कर सकते हैं। सो अगर मैं सीए हूं तो मैं ऑडिट करूंगा बट मैं केस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, आपको शायद नहीं पता होगा, अगर कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे रिप्रेजेंट करना है सो वकील होना जरूरी होता है, अगर मैं वकील नहीं हूं तो मैं वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो आईटी एटी तक के जा सकता हूं मैं, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल तक, बट उसके ऊपर फिर कमिश्नर लेवल तक जाएंगे, आईटी एटी तक जाएंगे बट उसके ऊपर नहीं जाएंगे, उसके ऊपर अगर जाना है हाईकोर्ट जाना है तो मुझे एक वकील करना जरूरी होता है, तो वकील के थ्रू जाते हैं हम लोग। सो हर किसी के अलग पावर्स होते हैं, हम उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऐसा अलग अलग डोमेन होता है हर किसी का। नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तो और रेस्ट्रिक्शन होती है, उनको तो साथ में कुछ भी करना अलाउड नहीं होता, वो तो एक दुकान तक नहीं चालू कर सकते। सो वो दुकान चलाते हैं तो अपने वाइफ के नाम से चलाएंगे या ऐसा कुछ करते हैं फिर। सो गवर्नमेंट जॉब वाले को कुछ भी अलाउड नहीं होता। सो हाँ, सही में कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं उसमें। हाँ, एक कर सकते, हाँ कर सकते हैं। जैसे मेरे को लग रहा है यार क्या करना है सीए डिग्री का, सीओपी का, सो सीओपी ड्रॉप करके मैं लॉ कर सकता हूँ। सो कल चल के लगता है छोड़ो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टीचिंग करेंगे, तो मैं अपनी डिग्री छोड़ सकता हूँ। सो कोई अपने को फिकर नहीं होती ना, जैसे अब मैं सीए हूँ, मेरी डिग्री छीन भी लेगा आईसीआई तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ ऑफिस में फर्क पड़ेगा लेकिन फिर वो दोस्तों से साइन कराना पड़ेगा, साइनिंग अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, बट टीचिंग तो मैं कर ही सकता हूँ। टीचिंग में मेरा वो सीए का कोई रोल नहीं आता, भले मैं सीए हूं अलग बात है, पर उसके बाद भी अच्छा पढ़ाना नहीं पढ़ाना ये अलग चीज होती है। सो मैं सीए हूं, कितना भी अच्छा, कितना भी बड़ा सीए हूं, अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो कोई काम का नहीं, और मैं सीए नहीं भी हूं और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो फिर वो आपके लिए काम का है। सो ऐसा होता है, तो इसीलिए जैसे बीच में ऐसा चल रहा था ना, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाए थे कि सीए प्रोफेशन में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो बड़े बड़े सीए लोग भी आए थे। सो उसमें कुछ और बहुत बड़े सीए, उन लोगों ने तो बोल दिए थे, उनको नोटिस भेजा था आईसीआई ने कि हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, हम आपकी डिग्री ले लेंगे। सो उन्होंने खुद बोल दिया आप ले लो हमारी डिग्री, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े बड़े सीए है ना, वो एकदम टीचर्स है बहुत बड़े, और उसमें से एक तो सीएफए की डिग्री होल्ड कर रहे, सीए है बट वो मेंबर ही नहीं है, उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। सो उनको भी नोटिस भेज दिए, जबकि आईसीआई को पता होना चाहिए हमारे मेंबर नहीं है, बट उनको भी नोटिस भेज दिया था आईसीआई ने कि आपके ऊपर एक्शन लेंगे। उन्होंने रिप्लाई भेज दिया मैं आपका मेंबर नहीं हूं, आप मेरे पे एक्शन नहीं ले सकते। सो ऐसे भी है, खैर छोड़ो। सो
विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आईसीएआई, अच्छी जगह है, अच्छी चीज है। हाँ, वो खुद वकील होता है, आपने देखे होंगे अगर मूवी अच्छे से तो उसमें वो खुद एडवोकेट होता है, वो खुद ही वकील होता है परेश रावल ओ माय गॉड में, तो उसने हाँ उसमें रहता है वो, आपने देखे होंगे उसमें ऐसा कुछ बताया है, उसमें आप देखना उसमें बताया है। हाँ, मेंबरशिप जरूरी है, मेंबर बनो उसके बाद या तो जॉब कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दो सर्टिफिकेट होते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके दुकान पे दोनों लगे होना चाहिए, दुकान यानी ऑफिस में दोनों लगे होना चाहिए, एक मेंबर का सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सो ये लगे होते हैं। सो जैसे डॉक्टर के यहाँ लगे होते हैं ना, उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट लगे होते हैं, वैसे सीए को भी जरूरी है कि ये दो सर्टिफिकेट लगाना है, तो लगाना चाहिए। कई लोग नहीं लगाते, तो मैंने भी नहीं लगाया, रखा है बाजू में, कोई आया पूछने तो ये लो, लेकिन लगाना चाहिए। सो लगाना कंपलसरी है। वैसे बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट है, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे डिस्प्ले करना कंपलसरी होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर चलो यार, जो चल जाए वो अच्छा है। नहीं ऐसा ऐसे है, एक कोई सीए है जिन्होंने सीए की डिग्री छोड़ दी और वकील का काम कर रहे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़े बहुत बड़े वकील है, हरीश सालवे है क्या शायद, तो मुझे एकदम पता नहीं, बट वो बहुत बड़े वकील का काम कर रहे हैं सीए होने के बाद भी, उनको लग रहा है क्या सीए वकील का, वकालत में उनको ज्यादा ये दिख रहा है। हाँ एसीसीए अलग हो गया, तो एसीसीए सीमा ये सब अलग आता है, अलग इंस्टीट्यूट में कवर होता है। हाँ हाँ वैसे ही है, एसीसीए बेसिकली सीए जैसा नहीं है, वो मैनेजमेंट का मेन है उसका, यानी कॉस्ट वालों से रिलेटेड है एसीसीए, और एसीसीए आसान है बोलते हैं, बस वो महंगा है, बाकी आसान है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीए इंटर किए, फाइनल नहीं हो पाए, फिर एसीसीए कर लिए और फिर उनको अच्छे बिग फोर वगैरह में अच्छा जॉब मिल गया। सो करते हैं कुछ कुछ लोग ऐसा, बट बहुत महंगा है, एक एक पेपर के 12,000 रुपए लगते हैं उसमें। सो हाँ एक पेपर देना है, और पेपर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जब प्रिपेयर्ड है तब दे सकते हैं, और एक एक पेपर भी देना है तो ऐसा भी दे सकते हैं आप उसमें। सो लेकिन हर पेपर का 12,000 रुपए लगता है, तो भारी पड़ता है, और नागपुर सेंटर नहीं है, मुंबई जाना पड़ता है, सो जाने आने का और 7-8 हजार रुपए। ठीक है चलो। सो अरे वापस आते, कहां घूमने चले गए हम, वापस आओ। सो हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 4, जो पावर्स बताता है, यहां पे पावर्स बताए हुए हैं। तो पावर्स क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, पावर टू इन्वेस्टिगेट, आइदर खुद से या सेंट्रल गवर्नमेंट जब अप्लाई करेगी तब, किसके ऊपर, बॉडी कॉर्पोरेट पे भी और पर्सन पे भी, दोनों पे इन्वेस्टिगेशन चालू किया जा सकता है। और किस चीज से रिलेटेड, मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द मेंबर और फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड अंडर सीए एक्ट। तो सीए एक्ट बना था 1949 में, ठीक है। सो ध्यान रखो, आगे याद दिलाऊंगा, बताऊंगा, अभी नहीं, जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा, कानून कैसे बनते हैं जब बताऊंगा तब। हाँ वो एक्ट जो पास होते हैं वो अलग अलग एक्ट होते हैं, एक साल में बहुत सारे एक्ट होते हैं, तो वो नंबरिंग होती है उसकी। हाँ प्रोवाइडेड, अब ये क्लैरिफाई कर दिया, दैट नो अदर इंस्टीट्यूट आईसीएआई और बॉडी कॉर्पोरेट शैल और बॉडी शैल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग्स इन सच मैटर्स ऑफ मिसकंडक्ट वेयर एनएफआरए हैज इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन। सो आईसीएआई को यहां से अलग कर दिया। सो अदर इंस्टीट्यूट यानी वही है, आईसीएआई की मेन बात हो रही है, बट ऐसा सीधा नहीं बोलते हुए घुमा के बोल रहे बात, ठीक है। फिर पावर्स क्या है, इट विल हैव सेम पावर्स एज अवेलेबल टू अस सिविल कोर्ट इन केस ऑफ इन अंडर सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाइल ट्राइंग अ सूट। तो वाइल ट्राइंग अ सूट यानी सूट पे, अरे नहीं सूट नहीं पहनेंगे, तो ट्राइंग मैंने बताया था ट्रायल, तो ट्रायल यानी उस पर्टिकुलर केस को ट्रायल बोलते हैं। सो ये ट्रायल करते वक्त जैसे कोर्ट को पावर होते हैं वैसे इनको भी पावर है, एनएफआरए को भी सेम पावर्स हैं। क्या क्या पावर्स हैं वो भी क्लैरिफाई किया, आप चाहो तो अपने डायग्राम में लिख के रख सकते हैं, चार पावर्स। पहला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना, दूसरा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना, एनफोर्सिंग दी समनिंग एंड एनफोर्सिंग दी अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, पर्सन को एग्जामिन करना। सेकेंड है
पर्सन को एग्जामिन करना, थर्ड है बुक्स को एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, ठीक है। सो पहला है सिर्फ मंगवाना। सो पहला अधिकार है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स ये मंगाए जा सकते हैं। तीसरा अधिकार है उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। तो पहले अधिकार में सिर्फ मंगवाने के अधिकार है कि वो देखेंगे और अपने पास बुलवाए जा सकते हैं। फिर सेकेंड थर्ड अधिकार जो है, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज बी एट एनी प्लेस, ठीक है। क्लॉज बी में कौन, तो कोई भी व्यक्ति कवर हो सकता है इसमें। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, तो पर्सन में कोई भी आ सकता है, डायरेक्टर आ सकते हैं या सीए भी आ सकते हैं। पर्सन वर्ड यूज किया मैंने, सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। ऑफिसर ऑफ कंपनी वर्ड यूज नहीं किया है या ऑडिटर यूज नहीं किया है, तो पर्सन यानी सब, ठीक है। सो पहला पावर है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। सो बुक्स मंगवाना एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच प्लेस एंड एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एनएफआरए। सो एनएफआरए बोलेगा, कोई भी कंपनी को बोलेगा कि बुक्स लेके आओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए जा सकते हैं। दूसरा समनिंग, समनिंग यानी बुलाना। तो आपको बताया था मैंने, समन्स का मतलब होता है बुलावा भेजना, ठीक है। सो बुलावा भेजा जा सकता है एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, अटेंड करने बोला जा सकता है टू एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, तो उसको एग्जामिन किया जा सकता है। एग्जामिन यानी उसको सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, फिर वो गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा मैं जो भी कहूंगा। तो ओथ यानी वही होता है, ओथ का मतलब होता है कि वो जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा। सो अल्टीमेटली गीता वीता नहीं आती आजकल, तो पहले जमाने में हुआ करता था ये, बट अब गीता वगैरह लाना ये सब खत्म हो चुका है, पर पहले ऐसा होता था, गीता पे हाथ रख के सही में कसम खाते थे। ये मुगल्स के टाइम पे चालू हुआ था, क्योंकि मुगल्स जो होते हैं उन लोग कुरान को बहुत मानते थे, और कुरान ऐसा था कि कुरान पे हाथ रख दिए यानी वो लोग बहुत डरते हैं कि कुरान पे हाथ रख के अगर मैंने बोल दिया कि मैं जो भी बोलूंगा सही बोलूंगा, सो वो सही बोलता था ऐसा माना जाता था। तो अकबर वगैरह के टाइम पे ज्यादा चलता था, और फिर अब हिंदू है तो उसको काय पे रखना है, तो गीता ला के रख दिए। अब अपन लोग को तो फर्क नहीं पड़ता, उस पे हाथ रख के भी झूठ बोल देते तो लेकिन उन लोग नहीं बोलते हैं, उन लोग अगर कुरान पे हाथ रखा है तो वो सही बोलेगा ऐसा माना जाता है। अब पता नहीं बट मान लेते हैं ऐसा, और सही में ऐसा होता था, पहले तो बहुत मानते थे लोग, अब आजकल तो ऐसे ही झूठ बोल देते। अब कोर्ट में क्या चलता है, तो एफिडेविट चलता है। अब कोर्ट में ऐसा गीता वीता नहीं लाते, आप एफिडेविट पे लिख के देते हैं, हम बताते हैं कि मैं जो भी बता रहा हूं एकदम सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। सो ये एफिडेविट अगर झूठा दिया तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, तो क्राइम होता है वो। सो ऐसा है। फिर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सो बुक्स वगैरह इंस्पेक्ट करना, तो पहला सिर्फ डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन है, दूसरा व्यक्ति को बुलाना है, तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को इंस्पेक्ट करना है, एंड चौथा है इशूइंग कमीशन ऑफ फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। सो एग्जामिनेशन करना ऑफ विटनेस, सो जो साक्षीदार है, विटनेस यानी जिसने देखा है कुछ कार्य होते हुए, कुछ गड़बड़ होते हुए, और डॉक्यूमेंट्स, सो उसको बुलाना। जैसे अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी के अकाउंटिंग में झोल था और कंपनी के अकाउंटेंट को बुलाया जा रहा है, तो वो विटनेस बन सकता है कि हाँ मैंने ये अकाउंटिंग में देखा हूं कि कुछ गड़बड़ कर रहे थे, सो विटनेस हो गया, ठीक है। तो सीधा सीधा उसको ये चार पावर्स होते हैं, ये पावर्स सिविल कोर्ट के पावर है एक्चुअली। सो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मंगा सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, व्यक्ति को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं ओथ, एंड विटनेस और डॉक्यूमेंट्स को बुलाए जा सकते हैं। तो सबूतों और गवाहों को बुलाया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर बाद में अदालत नतीजे पे पहुंचेगी, देखा था ना आपने मूवीज में, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि रमेश को सजाए मौत दी जाए, नहीं रमेश को बाइज्जत बरी किया जाए। तो आखिर में अपने आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं हीरो लोग, सो सजाए मौत नहीं होती उनको, ठीक है। हाँ विलन को होती है, और फिर वो निप काट देते हैं, निप तोड़ देते हैं पेन की। सो ये पहले सही में होता था, सो जो निप से सजाए मौत देते थे वो निप तोड़ देते थे, क्योंकि उससे एक ऐसा डिसीजन हुआ है कि जिससे यानी किसी की जान गई है, तो इसलिए वो पेन से फिर और कुछ नहीं लिखा जाएगा, और इसलिए उसके निप तोड़ देते थे, एक्चुअल में होता था। सो निप तोड़ा जाता था। फिर एक बार एक बलते ही केस हुआ था, ये सब एक्चुअल में हो चुकी है चीजें। एक केस ऐसा हुआ था जिसमें पहले जब सजा देते थे ना, पहले कोर्ट बोलता था ही शुड बी हैंग्ड, सिर्फ इतना बोला जाता था ही शुड बी हैंग्ड। एक बार क्या हुआ, एक जन ने एक मुजरिम था उसको लटकाए, वो मरा ही नहीं, और फिर छोड़ दिए, फिर बोले सजा तो हो गई और उसको मारा नहीं जा सकता,
क्योंकि रूल ये था कि उसकी सजा थी ही शुड बी हैंग, और वो बच गया, और इसके बाद से फिर डिसीजन देते हैं ही शुड बी हैंग टिल डेथ, ऐसा डिसीजन देते हैं तो जब तक मरा नहीं लटका। हाँ ये एक्चुअल केस है, ये एक्चुअल हो चुकी है चीजें, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअल हो चुकी है। चलो ठीक है, सो ही शुड बी हैंग टिल डेथ ऐसा बोला जाता है। अब क्या, अब वो पता नहीं निप तोड़ते कि नहीं, पहले तोड़ देते थे, अब पता नहीं, अब महंगे पेन रहते होंगे तो नहीं तोड़ते होंगे। चलो ठीक है, सो पावर्स आप चाहो तो वहां लिख सकते हो डिस्कवरी ऑफ बुक्स, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स को चेक करना, एंड एग्जामिनिंग अ पर्सन एंड विटनेस या डॉक्यूमेंट्स को बुलाना। ठीक है, तो यहां पे लिख के रख लो, तो इसके जो पावर्स लिखे थे हमने, सो इसको यहां पे एस्ट्रिक डाल के लिख दो कौन कौन से पावर्स होते हैं उसको। ठीक है, तो डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ये पहला पावर है, दूसरा है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये सब क्या क्या पावर्स है, सिर्फ सिविल कोर्ट के पावर से इतना ध्यान रखो तो चलता है। एग्जामिनिंग अ पर्सन ऑन ओथ एंड विटनेस बुलाना, विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स को बुलाना, तो विटनेस को भी बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकते हैं कुछ, ठीक है, एज एविडेंस। सो जनरल पावर्स हैं, ऐसा एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये याद रखना, ये काम का है आपके फंक्शंस, और पावर्स में इतना ध्यान रखो ये एकदम ये नहीं रटा तो चलता है। और ये इस पे कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एक बार अगर कोई NFRA ने एक्शन ले लिया तो क्या दूसरी कोई अथॉरिटी एक्शन ले सकती, तो नहीं, ICAI बोलती है कि हम इस पे एक्शन लेंगे तो नहीं होता। ठीक है, सो वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं ICAI, सो चांस कम है। चलो पेनल्टी, अब पेनल्टी भी आसान है, पेनल्टी बोली गई है 1,00,000 रुपए और 5,00,000 रुपए, ये भी यही लिख देता हूं मैं, अब खत्म ही हो गया, इतने में ही कवर कर लेंगे। सो ये भी साथ में पेनल्टी है, ये भी पावर्स में ही कवर होता है वैसे, पेनल्टी ऑन प्रोफेशनल रहेगा, तो प्रोफेशनल पे CA पे पेनल्टी लगेगी। पहला अगर वो इंडिविजुअल है, सो 1,00,000 रुपए से लेके, ये हैंग होने वाला है, सो आप लिख लो 1,00,000 रुपए से लेके 5 गुना, 5 times, सो 5 times दी फीस रिसीव्ड। सो मैंने अगर 1 करोड़ की फीस लिया था तो 5 करोड़ रुपए पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, सो 1,00,000 से लेके 5 करोड़, 1,00,000 मिनिमम है और 5 करोड़ मैक्सिमम, यानी 5 times मैक्सिमम है। ठीक है, सो अप टू 5 times, और अगर फर्म है तो 5,00,000 से लेके 10 times, 10 गुना भी पेनल्टी लग सकती है। NFRA का टॉपिक आखिरी में देख के जाने वाला टॉपिक है, आप सोचोगे कि याद रहेगा तो ऐसा नहीं है, आपको आखिरी वक्त पे देख के जाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ना एक शीट बना लेना, कॉन्सेप्ट शीट, जिसको आखिरी में देख के जाना पड़ेगा, प्रोसीजर्स वगैरह जो है वो उसमें लिख लेना, वैसे ये वाला टॉपिक भी जो है ये आखिरी में देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डायग्राम अपन बना रहे, पॉइंट्स निकाल रहे, डायग्राम तो नहीं बना रहे, पॉइंट्स निकालते जा रहे, सो वो पॉइंट्स आपके लिए सफिशियंट रहेंगे, उतने भी देख के गए तो चलेगा। हाँ लिख लिए होंगे आपने पेनल्टी, ये चालू ही नहीं हो रहा, हुआ 1,00,000 से लेके 5 times, और फर्म के ऊपर, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है अगर, तो 5,00,000 से लेके 10 times, 10 गुना, इतनी पेनल्टी लगाने का अधिकार है NFRA को। सो आप देखोगे बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा दी,
पहले ऐसा तो ऐसा होता था 20,000 25,000 तो आईसीआई कम पेनल्टी लगाता था कि इतना पेनल्टी भर दो 50,000 भर दो, अब सीधा सीधा 1 लाख तो मिनिमम ही हो गया और 5 गुना ऑफ दी फीस। मैं अगर फीस ले रहा हूं समझो 5 लाख रुपए तो सीधा सीधा 25 लाख की पेनल्टी। ठीक है, मैंने 1 करोड़ फीस लिया, एक ही बड़ा क्लाइंट था मेरे पास, 1 करोड़ रुपए फीस लिया था और 5 करोड़ मुझसे मांग लेंगे तो हो गया, बैंकरप्टी हो जाऊंगा। सो ऐसा है। सो वेयर अ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव हैव द पावर टू मेक ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी, ये 84 काट दो, पेनल्टी कितनी नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज मिनिमम बट विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10 टाइम्स द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ फर्म्स। इसके अलावा बाकी उसको प्रैक्टिस करने से रोका जाएगा, ये जनरल पॉइंट्स है कुछ। डीबारिंग अ मेंबर और अ फर्म फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर और अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। सिर्फ कंपनी के ऑडिट लेने से रोका जा सकता है क्योंकि एनएफआरए क्या है, ये सिर्फ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट्स को कवर करती है। मैं पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट कर सकता हूं, इंडिविजुअल असेसी के कर सकता हूं, इनकम टैक्स ऑडिट कर सकता हूं, कंपनी ऑडिट करने से मना किया है, ऑडिटर नहीं बन सकते या इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, सो वो वाले ऑडिट जो कंपनी से रिलेटेड रहेंगे वो वाले ऑडिट करने से रोक सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन प्रोवाइडेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 247। तो वैल्यूएशन सर्विसेज भी कई बार हम लोग दे सकते हैं, सो वो सर्विसेज भी हमको देना अलाउड नहीं रहेगा अगर इसमें पकड़े गए तो। ऐसा है। फिर फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये भी मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 10 ईयर्स नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 साल तक के डीबार किया जा सकता, 10 साल में कैरियर ही खत्म हो जाएगा, कैरियर नहीं करियर, करियर ही खत्म, कैरियर अलग होता है, साइकिल में होता है, आजकल नहीं होता, आजकल अलग ही साइकिल होती है, आजकल एकदम स्पोर्ट्स वाली होती ना, सो उसमें कैरियर नहीं होता। सो 10 साल में एक्चुअल में करियर ही खत्म हो जाता है कुछ कुछ लोगों का। तो ऐसे फरदीन खान को जानते हैं आप, बस वो खत्म हो गया, एक बार बस आया, 6 महीने में करियर खत्म। ऐसे कुछ कुछ, अरे ऐसे एक्टर्स होते हैं, एक्टर की बात कर रहा हूं मैं, आपने नाम भी नहीं सुना ना, ऐसे हैं कुछ कुछ लोग रहते हैं, यानी बस शुरू हुआ और खत्म हो जाता है करियर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, बस खत्म हो गया, अब ये तो कोई काम का नहीं है। ये बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सब सेक्शन प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट का मतलब वही है जो सीए एक्ट में बताया। तो देखो यहां पे इन्होंने कंची मारे यानी इन्होंने यहां फिर से डिफाइन नहीं किया कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है। सो इसीलिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वही है जो आपको सीए एक्ट बताता है, एक्शन लेने का अधिकार खुद के पास रख लिया इन्होंने, सो एक्शन खुद लेंगे लेकिन मिसकंडक्ट वही लिखा हुआ है कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, सो वो चीज वहां से आएगी, तो वही चीज यहां बताइए कि प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट ये जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के सेक्शन 22 में पढ़ते हैं वही है। ठीक है, सो उसका मतलब ये किसको पकड़ रहे हैं, सीधा सीधा भले वर्ड ये डायरेक्ट यूज नहीं करते, प्रोफेशनल यूज करते हैं, पर्सन यूज करते हैं, तो भी हमको समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ सीए लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सीएस भी कवर नहीं होता, सिर्फ सीए को ही कवर कर रहा है इसमें, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए को देखना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सीए को देखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी सीए के लिए रहती है, ऑडिटिंग पॉलिसी उसी की रहती है, सो सीए को ही पकड़ रहा है, सो और किसी के लिए नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं बोलते बुरा लगता है, फिर सीधा बोल दो ना सीए को पकड़ रहे हैं, लिख देना चाहिए, लोगों को बुरा लगता है अपने को क्या, तो अपन गलत काम नहीं करते तो डर नहीं रहता। सो ऐसा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या क्या कुछ बोला किसी ने, अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनीज को एनएफआरए के रूल्स फॉलो करना है। तो मैंने बताया था हर कंपनी को नहीं करना है, वो जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज वर्ड आता है ना बहुत जगह, अब वो कौन है वो यहां पे आपको समझ में आएंगे, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज जिनको इंडेस फॉलो करना है, सो अब वो कौन सी कंपनीज है वो यहां पे बताया है, तो देखते हैं अपन। सो एनएफआरए रूल्स के हिसाब से, अब रूल्स पे आ गए हम, एक्ट के हिसाब से नहीं, ये रूल्स आ रहा है पूरा, ये पूरे यहां तक के रूल्स आएंगे अब। ठीक है, इसके बाद फिर से कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं वो चालू होंगे, बीच के सेक्शंस गायब भी हो गए, यहां 6 7 8 9 नहीं दिख रहे आपको, सो हटा दिए गए, सो इसमें चेंज हुआ है काफी,
सो बचा है ये पूरा देख के ही जाएंगे अपन आज, और फिर कल, कल तो छुट्टी है, अपने को टाइम मिल रहा है ना, इसीलिए अपन जबरदस्ती नहीं लेंगे, अपन अगले सैटरडे को ज्यादा ले लेंगे, और अगले सैटरडे को पवन सर नहीं है और फ्राइडे को भी नहीं है, बट मैं जल्दी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इधर उधर भी है, सो वो उन लोग का नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए अपन टाइम अपने ही रखेंगे, तो आप बीच में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, चलेगा क्या? हाँ हाँ यहाँ ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो लोग टैक्स में नहीं है और इधर आते हैं ऐसे लोग भी है ना, ऑनलाइन में भी है, चल जाएगा क्या तुम लोगों को? चलेगा क्या जल्दी ये? तो अच्छा ठीक है, तो देखते हैं वैसा, हाँ जल्दी ले लेंगे, अगर जमता है तो जल्दी ले लेंगे, ठीक है। सो अगले फ्राइडे और सैटरडे दोनों ही दिन फिर एक्स्ट्रा ले लेंगे अपन, और ज्यादा पढ़ लेंगे थोड़ा, लगे तो सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, साथ में अपन वो अदर लॉस चालू कर लेंगे, तब तक हो ही जाएगा वैसे भी, अब क्या खत्म ही हो गया, क्या बचा यहाँ, ये बचा है, इसके बाद 133 तो ऐसे ही है, ऐसा उठाएंगे ऐसा करेंगे वो खत्म हो जाएगा, 134 बोर्ड रिपोर्ट है, 134 बड़ा सेक्शन है बट वो पूरा इंफॉर्मेशन वाला है, आपको एक बार रीड करना है भूल जाना है, ऐसा है, 135 इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ी क्लास लगेगी, यानी 2 घंटा लगना चाहिए उसको, सो अपन थोड़ा सा खींचेंगे, सो हाँ 135 CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो काफी ज्यादा उसमें चीजें हैं, नई चीजें भी आई है तो देखेंगे वो, फिर बस 136, 137, 138 ये सब सिंपल है, 136 आपको साथ में भेजना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, फिर 137, 130, 139 वहां से इंपॉर्टेंट चालू होंगे, अगला चैप्टर ऑडिटर, सो 139 फिर 141 और 144 ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, और 135 है, और ये अभी जो पढ़ रही है, ठीक है चलो देखते हैं देखते हैं। हाँ तो NFRA रूल्स के हिसाब से, अरे ब्रेक की जरूरत ही नहीं है आज, ऐसा कुछ नहीं हुआ ब्रेक लायक, कुछ भी है ना आदत हो गई बस, कुछ भी हुआ ब्रेक आज नहीं है जरूरत। चलो एज पर NFRA रूल्स, NFRA शैल हैव पावर टू मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऊपर देखा है हमने, सो ये रूल्स में फिर से बताया है, सो ऊपर कहां देखा, ये सबसेक्शन 2 में, तो मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सो ये लिखा है, वही लिखा है यहाँ पे, कितना 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 किटकिट करते हैं लोग, कोई डांटता नहीं क्या इनको, जाने दो, अरे जाने दो, चलो। सो NFRA शैल हैव पावर टू मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, oversee the quality of service under subsection 2 or undertake investigation under subsection 4, और इसमें कौन कौन सी कंपनीज कवर होगी, तो वो अब हमको यहां पे बताया है, कंपनीज whose securities are listed, मैं यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूं, लिस्टेड कंपनीज सब कवर होगी, फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज वो कवर होगी जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उसके ऊपर है, नॉट लेस देन 1000 करोड़, या फिर जिसका पेड अप कैपिटल ये 500 करोड़ या उसके ऊपर है, या फिर जिसकी एग्रीगेट बोरोइंग्स 500 करोड़ या उसके ऊपर है, ये कवर होंगे, ठीक है। सो अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़, और हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 1000 करोड़, और हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट, सब मिला के एग्रीगेट बोरोइंग्स नॉट लेस देन ₹500 करोड़ एज ऑन 31st March ऑफ द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सिंपल है, सो ध्यान रखना है आपको, ये पूछ सकते हैं कभी एक आध बार, मैंने आपको शुरुआत में बोला था याद करो, आगे याद रखने वाली चीजें आएगी उसके लिए बचा के रखना, अभी रटने के पीछे फोकस मत करो, आगे रहेगा,
सो अभी आना चालू हो गया, इंटरनल ऑडिट में भी देखे हमने 25, 50, 100, 200। वैसे मैं आपको तरीके भी बता दूंगा, बट फिर भी कई जगह पे ऐसा होता है कि तरीके काम नहीं आते तो खुद ही याद रखना पड़ता है। सो याद रखने वाली चीज है, बट ये तो याद है आपको, टर्नओवर कभी भी ज्यादा होता है, बाकी ये दोनों तो सेम ही लिमिट है 500। फिर तो एक हो गई लिस्टेड कंपनी, दूसरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 के ऊपर है, या फिर पेड अप कैपिटल या बोरोइंग 500 के ऊपर जाती है वो। फिर जो ऐसी कंपनीज है जो कवर होती है अंडर स्पेशल एक्ट, लाइक बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज या कंपनीज अंडर स्पेशल एक्ट, ये जो कंपनीज हैं इनको भी ये रूल्स फॉलो करना है, मींस इनके केस में भी ये लगेंगे। सो इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज BCDEF ऑफ 1(4) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये शुरुआत में पढ़े थे हमने सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 कि कौन कौन सी कंपनीज को ये अप्लाई होता है एक्ट, तो उसमें से ये कंपनीज को NFRA रूल्स भी अप्लाई होंगे, ठीक है। सो ये बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल एक्ट वालों को। फिर अब ये कोई काम का नहीं एक्सप्लेनेशन, बैंकिंग कंपनी मीन्स जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में आया वो तो है ही, उसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट। सो अब आप देख रहे हैं बहुत सारे बैंक्स मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि सब बैंक को जोड़ के बड़े बैंक बना ले। तो देखे होंगे आपने पहले बहुत सारे अलग अलग बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, हैदराबाद, सबको जोड़ के SBI बना दिया, तो और भी बाकी के बैंक्स में ये सब हो रहा है, तो सबको जोड़ रहे हैं। सो ये जोड़ने के बाद भी जो कंपनी बनी है वो भी बैंकिंग कंपनी में कवर होगी, तो यही चीज क्लैरिफाई किया है। सो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है वो भी, और जो कन्वर्ट हुई है थ्रू बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, तो उसके हिसाब से एक्विजिशन होते हैं, ठीक है। सो ये जितने भी हैं, और सब्सिडरी बैंक मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट, अब ये कुछ भी नहीं बचा, वैसे सब्सिडरी बैंक्स अब रहे ही नहीं क्योंकि सब्सिडरी बैंक्स को जोड़ के SBI बना दिया, ठीक है। सो कोई काम का नहीं, बस अब आगे के दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो पहला है लिस्टेड, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिसके वो प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं, तीसरा है बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेशल एक्ट, चौथा प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। सो गवर्नमेंट चाहती है किसी को प्रिस्क्राइब करना जो ऊपर कवर नहीं हो रही थी, तो उसको भी कवर कर सकते हैं। सो भले वो कोई भी कंपनी हो, फिर वो अनलिस्टेड हो, भले ये पर्टिकुलर पॉइंट्स में कवर नहीं हो रही है, तो भी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो सरकार के हाथ में पावर है। सो एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी और पर्सन, और एनी बॉडी कॉर्पोरेट क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज और पर्सन ऑन रेफरेंस मेड टू NFRA बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। सो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि इनको भी अप्लाई होना चाहिए, तो कुछ और लोगों को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड और किसको अप्लाई होंगे NFRA वाले रूल्स, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, ये मैं अलग से समझा देता हूं आपको। इसमें लिखा है एक फॉरेन सब्सिडरी या फॉरेन एसोसिएट कंपनी जिसको आप कंसोलिडेट करते हो, कंसोलिडेशन तो पता है आपको, हमने देखा कहां है जगह, यहां है। सो कंसोलिडेशन में क्या होता है, समझो एक ए लिमिटेड है, ये एक इंडियन कंपनी है, और एक समझो बी लिमिटेड है, ये सब्सिडरी ऑफ ए है, बट ये फॉरेन सब्सिडरी है। अब वैसे तो फॉरेन सब्सिडरी को ये रूल नहीं लगता, ये जनरल पॉइंट हो गया। तो फॉरेन सब्सिडरी क्योंकि फॉरेन में रजिस्टर्ड है, फॉरेन के हिसाब से काम हो रही है, उसको ये रूल नहीं लगना चाहिए। अगर बाकी कंडीशंस में बी लिमिटेड कवर होती है, समझो लिस्टेड होगी, सो अगर भारत की होती तो फॉरेन है तो अलग रूल है, अगर भारत की सब्सिडरी होती तो भारत के जो कंपनी के रूल्स हैं वो उसके हिसाब से देखते हैं हम। पर फॉरेन सब्सिडरी के लिए एक एडिशनल पॉइंट बताया कि अगर ये फॉरेन सब्सिडरी है, एसोसिएट है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम यहां इसका एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड P&L, ये आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है एंड एक कंसोलिडेटेड P&L बनता है,
सो कंसोलिडेट करने के बाद इसमें जो भी नेट वर्थ आ रही है, तो इसकी समझो नेट वर्थ आ रही है 100, या समझो इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ रहा है 100, और सब्सिडरी का जो स्टैंड अलोन है बैलेंस शीट, इसमें अगर नेटवर्थ है 20, तो इसको भी अप्लाई होने लगेगा। इन सिंपल टर्म्स, अगर इसका 20% इसमें इंक्लूड हो रहा है, यानी आपका जो टोटल नेटवर्थ है उसका 20% हिस्सा अगर बाहर की कोई फॉरेन सब्सिडरी से आता है, तो फॉरेन सब्सिडरी को भी ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होने लगेंगे एनएफआरए वाले रूल्स, ठीक है। सो नहीं तो ऐसे नहीं लगे होते, बट यहां पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होने लगेंगे फॉरेन सब्सिडरीज को भी, ठीक है। वैसे ही अगर इसका एक स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सो यहां पे जो प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट 20 है तो यहां पे अप्लाई होने लगेंगे। प्रॉफिट इस साइड आता है, मैंने सिर्फ लिखने को इधर लिखा, सो आप ऐसा मत सोचना सर आपको पता नहीं क्या, तो पता है मुझे, सो सिर्फ लिखने को ऐसा लिखा। तो इसका जो पीएनएल है, इसमें जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट अगर 100 है, सो यहां का प्रॉफिट अगर 20 है, तो इसको ये अप्लाई होने लगेंगे। दोनों में से एक भी पॉइंट कवर हो गया तो या तो उसका नेटवर्क जो है कंसोलिडेटेड नेटवर्क, उसका 20% हिस्सा यहां से आ रहा है तो अप्लाई होगा, या फिर उसका जो प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड, उसका 20% हिस्सा यहां से आ रहा है तो सब्सिडरी को अप्लाई होने लगेगा, ठीक है, फॉरेन सब्सिडरी। सो अब पढ़ के देखो, अब वो समझ में आएगा अगला पॉइंट। सो ई वाला पॉइंट, अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन की बात हो रही है, विच इज अ सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो भारत की किसी कंपनी की, ए लिमिटेड की, बी लिमिटेड सब्सिडरी है, वो बाहर रजिस्टर्ड है, फॉरेन सब्सिडरी, एज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए टू डी अबव, इफ द इनकम, या तो इनकम और नेटवर्थ ऑफ सच सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी एक्सीड्स 20%। एक करेक्शन कर लो, गलती हो गई मेरी, करेक्शन करो, प्रॉफिट नहीं है इनकम है, दोनों का फर्क आपको पता है, ये इनकम बोला गया है। ठीक है, इनकम, सो उसकी जो इनकम है, वो इनकम, टोटल जो इनकम है कंसोलिडेटेड इनकम या कंसोलिडेटेड नेटवर्थ है, उसकी 20% से ज्यादा जा रही है, एक्सीड्स 20% से ज्यादा, सो एग्जैक्ट 20 भी नहीं चलेगा, 20 से ज्यादा गई तो ये 20 से ज्यादा जाना चाहिए, ठीक है, ये मोर देन होना चाहिए, ये भी मोर देन होना चाहिए। सो अगर 20% से ज्यादा हिस्सा बाहर से आ रहा है, सो ये बाहर की जो कंपनी है इसको भी एनएफआरए रूल्स अप्लाई होने लगेंगे, ठीक है। सो अभी पढ़ने के बाद समझेगा, पहले समझा दिया मैंने, फिर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझेगा। फिर से रीड कर रहा हूं, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड है, जो सब्सिडरी एसोसिएट है, एक ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की जो भारत में है, सो और वो भारत में एंड कवर्ड अंडर ए टू डी, दैट मीन्स जिसको एनएफआरए लग रहा है, तो मेन कंपनी को भी लगना चाहिए, ये भी सीधी बात है। अगर ए लिमिटेड कोई एनएफआरए नहीं कवर करता तो फिर बी लिमिटेड की बात ही नहीं आती। सो ए लिमिटेड इज कवर्ड अंडर ए टू डी, तो वो उनको एनएफआरए अप्लाई हो रहा है, तो मेन कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, सो जो सब्सिडरी है उसको भी लगने लगेगा अगर उसकी इनकम या नेटवर्थ जो है ये 20% से ज्यादा जाएगी ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। दैट मीन्स अगर आपकी कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ 100 है और ये 20 है, तो दैट मीन्स इनको भी ये अप्लाई होने लगेगा, ठीक है। और ए लिमिटेड इज ऑलरेडी कवर्ड, वो कवर्ड वाले में आना चाहिए एनएफआरए में, समझा क्या? तो ऐसा है, हाँ क्या लगेगा? हाँ, उसका खुद का स्टैंड अलोन, बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, बस 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 यहां तक के, सो खत्म, जल्दी हो जाएगा, अरे कुछ नहीं बचा है, जल्दी हो जाएगा। देखो देखो, एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, एग्जिस्टिंग यानी जब ये एनएफआरए के रूल्स चालू हुए उस टाइम जो एग्जिस्टिंग थी, वो शैल इन्फॉर्म एनएफआरए विद इन 30 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनएफआरए रूल्स इन फॉर्म एनएफआरए 1 द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑडिटर एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स। यानी जो कंपनीज में कवर होती है उसको बताना पड़ेगा हमारा ऑडिटर कौन था, ठीक है, तो कौन है, हमने किसको ऑडिटर अपॉइंट किया। सो जो गवर्न बाय दीज रूल्स है उनको इन्फॉर्म करना है एनएफआरए को विद इन 30 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स। तो ये भी ट्रांजिशनल था, खत्म हो चुका है।
सो 30 दिन के अंदर बताना था। फिर कोई कंपनी अगर इसके बाहर जाना चाहती है एनएफआरए रूल्स के बाहर, वो कब जाएगी? तो जब वो कंटिन्यूस 3 साल अगर ये लिमिट के बाहर होती है। सो जैसे एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर चला गया था, तो इस साल गया तो अगले साल एनएफआरए रूल्स में कवर होंगे, उसके बाद भी होंगे, उसके बाद भी होंगे। अगर उसके बाद नहीं गया, कंटिन्यूस 3 साल अगर उसका टर्नओवर उसके ऊपर नहीं जाता है, पेड अप कैपिटल इसके ऊपर नहीं है और बोरोइंग्स इसके ऊपर नहीं, कंटिन्यूस 3 साल, तो वो इस रूल के बाहर होगी। जैसे समझो हम सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, टर्नओवर, पेड अप कैपिटल तो फिक्स रहेगा, बोरोइंग भी मान लो कि कम ही है, सिर्फ टर्नओवर मान लेते अपन। तो समझो एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 22-23 का, 21-22 लेते हैं, 21-22 का इसका टर्नओवर था समझो 1000 करोड़, 1000 के ऊपर चला गया, समझो 1000 हो गया या 1000 के ऊपर चला गया, दैट मींस अब ये एनएफआरए रूल्स में कवर हो गई फॉर 22-23, साथ में 23-24 भी और 24-25 भी, ये 3 साल के लिए कवर हो गई। अगर आप इसके बाहर आना चाहते हैं तो आपका टर्नओवर जब कंटिन्यूस 3 साल बाहर जाएगा तो आप इसके बाहर होंगे। जैसे इस साल अगर आपका सब जो 900 रहा, इस साल 920 रहा, इस साल 940 रहा, तो आप इसके बाद वाले साल यानी 25-26 में आप बाहर होगे, ठीक है। सो सिर्फ इस बार कम है तो बाहर नहीं होते, ये चीज क्लैरिफाई की है। इन सिंपल टर्म्स, एक बार आप फंस गए इसमें तो 3 साल के लिए फंसोगे। सो 3 साल आपको एनएफआरए के रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। फिर यहां पे अगर 1000 हो जाता है फिर से, तो अगेन ये रूल्स आगे फिर कंटिन्यू हो जाएंगे 3 साल और 3 साल आ जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा है, तो अगर ये 920 है तो फिर अगले साल यहां पे फिर अब एनएफआरए रूल्स इसको नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वो दिया हुआ है, अब पढ़ के देखो। अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी गवर्न्ड अंडर एनएफआरए रूल्स शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय एनएफआरए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स After it ceases to be listed or its paid up capital turnover aggregate loans falls below the limit stated therein. That means in simple terms, एक साल आए तो 3 साल आ गए, अगर तीनों साल आप इसके बाहर जाओगे तो फिर आप अगले बार उसके बाद वाले साल फिर एनएफआरए में नहीं कवर होगे, ठीक है। बस खत्म। Recommending accounting standards and auditing standards, तो कैसे recommend करेंगे? So अल्टीमेटली सीएल आईसीआई की जरूरत पड़ेगी एनएफआरए को, ऐसा तो नहीं होगा बिना आईसीआई के कर लेंगे, तो वही चीज लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ एएस और एसए फॉर अप्रूवल, रिकमेंडिंग द एएस और एसए फॉर अप्रूवल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एनएफआरए शैल रिसीव रिकमेंडेशन फ्रॉम आईसीआई। सो पहले आईसीआई से बात करेंगे कि भाई क्या एएस बनाना है, कौन से एसए बनाना है फॉर न्यू एएस और एसए और अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग एसए और एएस। फिर मे सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आईसीआई ऑन रिकमेंडेशन रिसीव्ड अंडर क्लॉज ए इफ रिक्वायर्ड। एनएफआरए शैल कंसीडर द रिकमेंडेशंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन सच मैनर एज इट डीम्स फिट बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली एनएफआरए भी खुद से एकदम मनमानी नहीं करेगा, आईसीआई से वो बात करके ये सब चीजें बनाएगा, ठीक है। तो वैसे ऐसा होता है कि आईसीआई पहले बनाता है, वो एनएफआरए को बताएगा, एनएफआरए सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी और फिर ये रूल्स बनेंगे, ठीक है। So, ऐसा है, तो ये रूल्स में बताया, ये एक्ट में नहीं है, यहां तक रूल्स चल रहे हैं। इसके बाद कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, कोई कुछ बोला क्या सर? हाँ बोलो, रिलीज हो गई सर। हाँ कुछ डाउट आया, एक मिनट, कुछ आया क्या? नहीं सर, फ्रीज हो गई। अच्छा फ्रीज हो गई, ठंडी बहुत है यहाँ, तो ठंडी नहीं होती, ऊपर ठंडा लगता एकदम, फिर साथ साथ एसी लगाया, फिर 9 है क्या, 8 है क्या, हाँ जो भी है एसी है वहां, एसी खूब सारे हैं। हाँ यहीं से उखाड़ के लेके गए और हम बैठे हैं, फिर भी अच्छा है ये, वैसे गर्मी तो नहीं हो रही थर्ड फ्लोर जैसी। चलो हाँ चीटिंग है, अभी काम का नहीं है वो, अभी भी बताना पड़ता है, बट वो ट्रांजिशन था। अभी बताते हैं ऑडिटर कौन है। हाँ हो सकते हैं, हाँ नहीं ऐसा नहीं है,
हाँ जैसे अभी नहीं है, फिर अगले साल फिर से 1000 करोड़ के ऊपर हो गया टर्नओवर, तो फिर कवर हो जाएंगे, फिर 3 साल फंस गए। ठीक है, पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ये कोई काम का नहीं है, शैल बी पनिशेबल एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 450 ऑफ द एक्ट, कोई काम का इग्नोर कर सकते हैं आप। हाँ अब थोड़ा सा अलग पॉइंट, बस थोड़ा सा है, 10 मिनट 10 मिनट। एनी पर्सन एक्यूज्ड बाय एनी एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ एनएफआरए, देखो अच्छा चल रहा हूं। सो एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ एनएफआरए, एनएफआरए के अगर ऑर्डर से हम सहमत नहीं है, हमको लग रहा है कि गलत हो गया यार, ऐसा कैसा हमारे ऊपर यानी पेनल्टी लगाई जा रही है या जो भी है, सो हमको लग रहा है ये गलत है, सो हम क्या कर सकते हैं, हम अपील पे जाएंगे। सो इश्यूड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 यानी वही जिसमें पेनल्टी बताई गई थी, सी यानी पेनल्टी वाला क्लॉज, ये देखो चलो आके ही देख लेते ना। सो ये वाला ठीक है, सो कोई सीए अगर एग्रीव्ड है, उसको लगता है कि नहीं ये गलत हो गया, मेरे ऊपर जबरदस्ती पेनल्टी लगाई जा रही है, सो यहां पे बात खत्म नहीं होती, हम ऊपर की ऑथोरिटी पे जा सकते हैं। यहां पे एक ऑथोरिटी बनाई गई है, मे प्रेफर एन अपील बिफोर द एपेलेट ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 6 इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो एक एपेलेट ऑथोरिटी है सबसेक्शन 6, ये नहीं दिख रहा है बट एक ऑथोरिटी है, वहां पे जाना पड़ेगा। सो ये तो एक मिनट देख लेता हूं मैं, सबसेक्शन 5 है 6 नहीं है, आज मौसम अच्छा हो गया लगता, एकदम हवाएं चल रही है, आज है खेलने का, आज भी है, सैटरडे को रहता ना, अच्छा आज सैटरडे है, हाँ हाँ यार मेरी क्लास है तुरंत है 4:30 बजे, हाँ देखते हैं, आता हूं। हाँ एक सेकेंड। हाँ तो 6 तो हट गया है, यहां सिर्फ इतना सा चेंज है, एक चेंज कर लो, ये हटा दो, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 6 ये हटा दो, सिर्फ लिखा है ही मे प्रिफर अपील बिफोर द एपेलेट ऑथोरिटी, सॉरी एपेलेट ट्रिब्यूनल कर दिया है, ऑथोरिटी के बदले ट्रिब्यूनल, इन सच मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो फीस वगैरह नहीं भी लिखे तो चलता है। सो सबसेक्शन 6 ओमिटेड, 7 ओमिटेड, 8 ओमिटेड, 9 ओमिटेड, तो ये चारों ओमिट हो गए हैं, ओमिट डायरेक्टली 10 है, सो 10 नंबर अब जो बता रहा है, तो 6, 7, 8, 9 हट गया है, तो इसीलिए 6 नहीं है, ये अमेंडमेंट रह गया, एक्चुअली बाकी ठीक कर लिया लेकिन सिर्फ वो रह गया। हाँ बाकी सब प्रॉपर है, ठीक है, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल, सो एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी क्या हो गया, ये हो गया NCLAT, एपेलेट ट्रिब्यूनल बोला यानी NCLAT हो गया, ठीक है। सो अब ये चेंज है थोड़ा सा, पहले यहां पे एक अथॉरिटी बताई गई थी 6, तो ये मेरा अपडेट करना रह गया, सो इसको ध्यान रखो, एपेलेट ट्रिब्यूनल मीन्स NCLAT, डायरेक्टली एपेलेट ट्रिब्यूनल पे जाएंगे, NCLT में नहीं जाना है, सीधा AT पे जाना है, ठीक है। सो सबसेक्शन 6, 7, 8, 9 ओमिट हो चुके हैं, वो नहीं है अभी, उसके जगह नए सेक्शन आए हैं वो देखते हैं।
सो द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल, अब ये बकवास है, ये कोई काम का नहीं। ये बोल रहे हैं कि इन लोगों को एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस शैल ऑब्जर्व सच रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड इट्स मीटिंग। तो मीटिंग वगैरह करना है, वहां पे मिलेंगे लोग, बातें करेंगे। सो एनएफआरए भी तो एक कमिटी है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि सब लोग एक जगह रहेंगे, तो वो लोग एक जगह मिलेंगे, मीटिंग्स होगी, जैसे बोर्ड मीटिंग्स होती है वैसे एनएफआरए की भी मीटिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर ये भी कोई काम का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉयज, जैसा मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, कि अथॉरिटी बन गए, उसका ये मतलब थोड़ी कि चाय लेने जाना है तो चेयरमैन जा रहा, फिर मेंबर बोल रहा मैं चिप्स लेके आता हूं। सो अलग और भी लोग तो लगेंगे ना, वही चीज लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो सेक्रेटरी और अदर एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट कर सकती है जो उसको जरूरी लगते हैं फॉर इफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ एनएफआरए। अगेन कोई काम का नहीं है अंडर दिस एक्ट, एंड द टर्म्स और एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सेक्रेटरी एंड एम्प्लॉयज विल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कोई काम का नहीं। हेड ऑफिस कहां है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस एनएफआरए का, एंड फिर ये कहीं भी मिल सकते हैं एट अदर प्लेसेस इन इंडिया एज इट डीम्स फिट, दे मे मीट एट सच अदर प्लेसेस। सो वैसे तो हेड ऑफिस की मीटिंग, बट कहीं और भी मीटिंग हो सकती है। फिर ये भी कोई काम का नहीं, जैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में था कि आपको इसके अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो एनएफआरए भी एक अथॉरिटी है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे खुद के, तो वो मेंटेन करना है, क्योंकि सरकार की अथॉरिटी है तो सरकार इसके ऑडिटर को अपॉइंट करेगी सीएजी, तो सीएजी अपॉइंट करेंगे। फिर इसके भी अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, ऑडिट कराना है, एंड इसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ले बिफोर दी बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये वही प्रोसेस आगे की बताइए, कोई काम की नहीं है। तो एनएफआरए को मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू इट्स अकाउंट्स इन सच फॉर्म एंड मैनर एज सेंट्रल गवर्नमेंट मीन कंसल्टेशन विद सीएजी प्रिस्क्राइब। कोई काम का नहीं। फिर अकाउंट्स जो रहेंगे ये ऑडिटेड कराना पड़ेगा, शैल बी ऑडिटेड बाय सीएजी एट सच इंटरवल्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम एंड सच अकाउंट्स एज सर्टिफाइड बाय सीएजी टुगेदर विद ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो रिपीट हो रहा है, याद आ रहा है कुछ, सेक्शन 125 में ऐसे ही पढ़े थे अपन ने, याद है कि नहीं, कि चले वहां जाके देखो सेक्शन 125 में, देखो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, मैंने बताया था कि उनके अकाउंट्स बनेंगे, ऑडिट कराया जाएगा, वहां बोला था मैंने कोई काम का नहीं है, तो शायद इसीलिए आपने मेन स्विच ऑफ कर दिया होगा। सो अभी देखो लिखा है वहां अकाउंट्स बनाना है फिर ऑडिट कराना है, वहां मैंने बताया था सीएजी, एक पांचट सा जोक भी मारा था, सीएजी यानी हम नहीं, सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसा जोक भी मारा था बकवास वाला, है ना, तो सीएजी की रिपोर्ट यानी अपनी रिपोर्ट नहीं, तो वो सीएजी अलग होते हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसे ही प्रोविजन है, क्योंकि ये भी एक सरकारी अथॉरिटी हो गई। सो इसके अकाउंट्स जो है सरकार के हिसाब से बनाए जाएंगे, सीएजी बताएगा, ऑडिट सीएजी कराएगा। इसके अलावा इसके जो भी ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं ये रखे जाते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। सो वही चीज है आगे लिखी हुई। सो इसके ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी एनुअली, एंड एनएफआरए शैल प्रिपेयर सच इन सच फॉर्म एंड एट सच टाइम फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट बनाना है जिसमें पूरे अकाउंट फुल अकाउंट्स रहेंगे ऑफ इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर and forward a copy thereof to central government and central government shall 85 काट दो cause the annual report and the report audit report given by CAG to be laid before each house of parliament। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो ये कोई काम के नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 133 देख ही लेते, अब यहां तक आए तो इत्तू सा देख लेते ना, इतु सा है, देखो कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ बोला है कि अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस की बात हो रही अगेन, ठीक है। सो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, कैसे, अभी ऊपर देखा हमने कि एनएफआरए रिकमेंड करेगी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करेगी। सो वही दिया है। अब जब तक के एनएफआरए नहीं थी तब तक एक और अथॉरिटी थी यहां, नाकास, NACAS, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
सो इसने पुराने कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं, बता के रखे हैं। तो जब तक के नए स्टैंडर्ड्स नहीं बनेंगे बाय एनएफआरए, तो तब तक के जो पुराने एक्ट में बनाए गए स्टैंडर्ड्स हैं वैसे के वैसे अप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां पे लिखी हुई है। सो एक बार रीड कर लेना आप, कोई खास काम का नहीं है उसमें। तो वही लिखा है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो कंपनीज एक्ट में बताया, शैल बी डीम्ड टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग शैल बी डीम्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंटिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन। तो जब तक नए नहीं बनते तब तक पुराने जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। फिर टिल एनएफआरए इज कॉन्स्टिट्यूट, अब तो कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, बट जब तक के नहीं थी तब तक के एनएसीएएस था, सो नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ये बनाया गया था और इसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया वो फॉलो करते हैं हम। दो प्रकार की कंपनीज है, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 में कवर होने वाली, जिनको सिर्फ एएस फॉलो करना पड़ता है, और दूसरी जो कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 एंड अमेंडमेंट रूल्स 2016 में कवर होती हैं, तो जिनको इंडियस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो पता है आपको ये सब, पता है कि नहीं? बस इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट वगैरह वगैरह, ये क्या होता है, कैसा होता है। सो 134, 35 को टाइम लगेगा, 35 बड़ा सेक्शन है। सो 34, 36 और 37, 37 तो देख चुके अपन ने। सो 34 और 36 36 देखेंगे, 36 नहीं होता, 36 देखेंगे, और 35 जो है वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। एक काम करते हैं, कल 35 देख लेते हैं, कल यानी मंडे को। सो 35 चालू कर देंगे, अगर थोड़ा सा बच जाएगा तो फिर उसको ट्यूसडे को ले लेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दो दिन में ये चैप्टर खत्म होगा। फिर उसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर्स के 3 दिन लगेंगे उसको खत्म करने को। तो जल्दी हो रहा है अपना, नहीं बराबर है ना, 7 हो गया, कल छुट्टी है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक खत्म हो रहा, उसमें भी 14 को छुट्टी है, संडे है, 13 को खत्म होगा, 14 को संडे है ना, या 15 को है, 15 को है, तो वही 13-14 को खत्म होगा, वही अपना जो सोचा था अपन ने 15 तक, तो 15 तक हो रहा है, एक दिन पहले हो रहा है, सिर्फ एक दिन पहले। हाँ नहीं, तो एक दिन पहले तो अभी अपन ये पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चंस भी डिस्कस करने बचे हैं, तो वो बचा है ना, तो अपन बराबर टाइम से चल रहे हैं, कुछ ऐसा जल्दी लेट नहीं हो रहा, एकदम टाइम टू टाइम चल रहा है जैसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ अरे हाँ ठीक है, जाओ शक्ता तुम्हें, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।